सो ए वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइज मैं हूँ प्रेम। तो गाइज आज हमारे साथ है हीरो मोटोकॉर्प की ओर से आने वाली द ऑल न्यू एक्सट्रीम 125R। आप देख सकते हो क्या खतरनाक बाइक है। हीरो गाइज डेफिनेटली अपने बाइक पे वर्क्स कर रहा है। आप देख सकते हो क्या ही खूबसूरत बाइक इन्होंने इस बार लॉन्च की है। इसके अंदर हमें काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं और इसका हमें फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन देखने को मिलता है। 125cc कैटेगरी के अंदर ऐसा आपको कोई बाइक ऑफर नहीं करता है। इस बाइक के अंदर हमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है विथ ABS और इसके अंदर हमें 1000 लाइट मिलता है और इसका हमें काफ़ी ह्यूज टैंक देखने को मिलता है। आपको पता नहीं चलेगा कि वो 125cc की बाइक है। ये पूरा आपको मस्कुलर टैंक इसमें देखने को मिलता है। 1.2 लाख के अंदर हीरो ने काफ़ी अच्छा किलर लुक के साथ ये बाइक लॉन्च किया है। इस बाइक में आपको 66 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलते हैं। ये जो बाइक अवेलेबल है ये अवेलेबल है आरा के चनवा में, नियर चनवा मोड़, अपोजिट जगजीवन कॉलेज, आदित्य हीरो में। हीरो की और कोई भी बाइक्स के रिलेटेड आपको कोई डाउट या क्वेरीज हो तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइस ये बाइक 3 कलर में अवेलेबल है, एक सिल्वर ब्लू जो यहाँ आपके सामने खड़ा है, एक सिल्वर रेड और एक फुली ब्लैक कलर में। ये है गाइस सिल्वर ब्लू कलर। आप देख सकते हो इसके फेस पे कितना अच्छा यहाँ पे चंकी सा डिज़ाइन दिया गया है ब्लू कलर में। और यहाँ पे हमें ऊपर में DRS देखने को मिलते हैं और यहाँ पे हीरो की बैचिंग दी गई है और नीचे में यहाँ पे हमें 2 प्रोजेक्टर लाइट्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पे हमें फाइबर में मडगार्ड इसका देखने को मिलता है ब्लू कलर में। और इसके अंदर गाइज हमें 37 mm के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं विथ सिंगल चैनल ABS। इस बाइक के अंदर आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलता है। इस बाइक में गाइज हमें 19/19 17 इंच के ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं MRF के। और इसके अंदर गाइज हमें फ्रंट में 276 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है विथ ABS। आगे यहाँ पे गाइज हम देखें तो यहाँ पे E20 का स्टिकर दिया गया है। ये बाइक अब E20 OBD2 सेंसर के सपोर्ट के साथ भी आती है। और यहाँ पे टैंक पे हमें स्ट्रीम का 3D बैचिंग देखने को मिलता है और यहाँ पे हमें एक काफ़ी प्यारा सा यहाँ पे टैंक काउल देखने को मिलता है जहाँ पे 125R की स्टिकरिंग की गई है। इस बाइक का फ्यूल टैंक हमें गाइज डुअल टोन में देखने को मिलता है, सिल्वर और ग्रे फिनिश में। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस बाइक में हमें 10 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है जो कि आपको 66 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है। बात की जाए इसकी सीट की तो काफ़ी अच्छा इसमें हमें सीटिंग कंफर्ट देखने को मिलता है। गाइस आप देख सकते हो काफ़ी चौड़ी सीट है और इसके अंदर स्प्लिट सीट आती है। गाइस पिलियन राइडर के लिए भी काफ़ी बड़ा सीट दिया गया है गाइस। और इसके अंदर हमें स्प्लिटिंग ग्रेव हैंडल देखने को मिलते हैं और यहाँ पर हीरो की ब्रांडिंग की गई है। और इस बाइक में हमें गाइज अब किक का भी ऑप्शन आता है और यहाँ पे हमें स्प्रिंट EBD टेक्नोलॉजी इंजन बैलेंसर टेक्नोलॉजी भी इस बाइक में देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें इसका ब्रेक लीवर्स देखने को मिलता है और यहाँ पे एल्यूमिनियम फ्रिज में इसका पिलियन फुटरेस्ट देखने को मिलता है। और गाइज इसके अंदर हमें वही करिश्मा वाला एग्जॉस्ट दिया गया है, आप देख सकते हो। रियर सेक्शन से बात की जाए तो गाइज रियर में हमें काफ़ी चौड़ा 120/18 17 इंच के ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है विथ ड्रम। रियर में गाइज हमें ड्रम ब्रेक मिलता है। गाइज रियर में हमें यहाँ पे मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलता है और यहाँ पे हमें टायर हगर देखने को मिलता है। और गाइज बात की जाए इसके रियर प्रोफाइल से तो रियर में हमें यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत सी LED टेल लैम्प देखने को मिलती है विथ LED इंडिकेटर्स, आप देख सकते हो। और यहाँ पे नंबर प्लेट की लाइटिंग भी देखने को मिलती है। गाइज लेफ़्ट प्रोफाइल से बात की जाए तो लेफ़्ट में यहाँ पे हीरो ने हमें कुछ नया ऑफर किया है जो अभी कोई बाइक में नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमें सेमी व्हील कवर टाइप देखने को मिलता है जो कि सारी गाड़ी हटा के हमें सेमी व्हील कवर टाइप दे दिया गया है। और यहाँ पे गाइज हमें ओपन चेन दिया गया है लेकिन काफ़ी अच्छा यहाँ पे उसका कवरिंग किया गया है ताकि साड़ी वगैरह में ना फंसे। और गाइज इस बाइक में हमें साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी देखने को मिलता है और इसके अंदर साइड स्टैंड और मेन स्टैंड दोनों का फीचर दिया गया है। आगे यहाँ पे हमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है और यहाँ पे अगेन यहाँ पे इंजन पे हीरो की ब्रांडिंग की गई है। और इस बाइक में हमें सिंगल हॉर्न का सेटअप देखने को मिलता है। बात की बाइक के हैंडल बार की तो यहाँ पे हमें काफ़ी चौड़ा हैंडल बार देखने को मिलता है। राइट साइड में यहाँ पे हमें पास का स्विच देखने को मिलता है और यहाँ पे हमें लो बीम हाई बीम का स्विच दिया गया है और यहाँ पे 1000 का स्विच दिया गया है और यहाँ पे इंडिकेटर का स्विच और यहाँ पे हॉर्न का स्विच दिया गया है। मैं आपको बजा के सुना देता हूँ, कुछ इस तरीके का हॉर्न है गाइस इस बाइक में। और लेफ्ट में यहाँ पे हमें इंजन क्यूल स्विच और सेल्फ स्टार्ट का बटन एक ही में देखने को मिलता है। इस बाइक में गाइज हमें फुली LED मीटर कंसोल देखने को मिलता है। यहाँ पे ऊपर में हमें RPM मीटर दिया गया है, यहाँ पे हमें स्पीडोमीटर दिया गया है और यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर दिया गया है। नीचे यहाँ पे हमें फ्यूल इंडिकेटर दिया गया है, यहाँ पे इंजन माल फंक्शन का स्विच दिया गया है और यहाँ पे हमें साइड स्टैंड का वार्निंग दिया गया है, यहाँ पर न्यूट्रल की लाइट दी गई है और यहाँ पर इंडिकेटर का सिंबल दिया गया है और यहाँ पे हमें ABS की लाइट देखने को मिलती है। साथ ही में यहाँ पे हमें फ्यूल गेज देखने को मिलता है और यहाँ पे हमें इसके अंदर ओडोमीटर, ट्रिप A, ट्रिप B और यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और कॉल अलर्ट और मैसेज अलर्ट भी देखने को मिलता है। अगर बात की जाए बाइक की इंजन स्पेसिफिकेशन की तो इस बाइक के अंदर हमें 124.7 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर FI इंजन देखने को मिलता है जो कि आपको मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 11.55 PS की एट द रेट 8250 RPM पे और इस बाइक का हमें मैक्स टॉर्क 8.5 Nm का देखने को मिलता है एट द रेट 6000 RPM पे। और गाइस इस बाइक में हमें 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, साथ ही में हमें 1319 Nm का व्हील बेस देखने को मिलता है और गाइस इस बाइक का हमें टोटल कर्व वेट 136 kg का देखने को मिलता है। गाइज इस बाइक पे 5.6 फीट के बंदे भी इजीली बैठ के इसको राइड कर सकते हैं। मेरे पास एक भैया है, मैं आपको उनको बिठा कर दिखा देता हूँ। गाइज देख सकते हो इनका हाइट 5.6 फीट है, इनका पैर कुछ इस तरीके से आ रहा है, आप देख सकते हो काफ़ी एग्रेसिव गाइज बाइक का राइडिंग पोस्चर है और देखो लुक पूरा किसी तरीके का आने वाला है बाइक का। जब आप राइड करते हो फ्रंट से भी काफ़ी क्लियर लुक आता है इस बाइक का, देखो। तो चलो गाइज अब सुनाते हैं इस ब्यूटीफुल सी मशीन का आपको एग्जॉस्ट नोट। ये है इस बाइक का आइडियल एग्जॉस्ट नोट। चलो अब थोड़ा सा रेव करते हैं। कुछ इस तरीके का है गाइज बाइक का एग्जॉस्ट नोट, आप देख सकते हो काफ़ी स्पोर्टी साउंड हमें इसमें देखने को मिलता है। इस बाइक पे गाइज एक शोरूम प्राइस 1,01,371 पड़ता है और गाइज इसका ऑन रोड प्राइस हमें 1,20,500 देखने को मिलता है आरा चनवा में। और गाइज इस बाइक पे हमें EMI की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। इस बाइक पे आप 20,000 तक का डाउन पेमेंट करके इस बाइक को आप घर ले जा सकते हैं।